आज की हमारी ये प्रोग्राम जो है, और साफ़ी बिरादरान आपको भी हमने तकलीफ़ दी है कि तकरीबन 3 महीने से चश्मा राइट बैंक कैनाल जो सिर्फ डी ए खान की नहीं बल्कि सारे KPK का, इसी पे जो है इनसार है। हर चीज़ हम KPK को प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 महीने होने को हैं तो इस पे हमें तो थोड़ी सी, इस पे भी हमें बहुत ही अफसोस है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो जितने भी हमारे सियासी नुमाइंदे हैं, MPAs हैं, MNAs हैं, उन्होंने इस पे थोड़ा सा भी अपनी ज़बान तक भी नहीं खोली। इसका हम निहायत ही, हमें इस पे अफसोस भी है, और मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता कि उनकी कहाँ दिलचस्पी होती है। तो इस नहर के मुतलक 10 करोड़ तकरीबन 2 माह पहले से उसके पैसे 10 करोड़ आ चुके हैं, तो उसकी अभी तक जो टेंडर हुए हैं 10 में से 8 करोड़ के टेंडर हुए हैं, उनको भी तकरीबन टेंडर को खुले हुए वो तो इस 24 दिन उसको गुजर रहे हैं। तो हमने उस दिन मौके पे गए कि कैसे जो है ना हंगामी बुनियादों पे काम हो रहा है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिखा है कि जंगी बुनियादों पे, तो हम देखने गए कि जंगी बुनियादों पे कैसे काम हो रहा है। तो वहाँ हमने देखा कि एक रोलर चल रहा था और 5-7 जो है वो अब ट्रालियाँ, उस वक्त तो इससे भी कम थी, अब सुना है कि 5-6 ट्रालियाँ वहाँ वो जो है उस पे लगी हुई हैं, और जो हमारा टैंक हेड है वो अभी तक पता नहीं कब तक उसकी मुकम्मल होता है, और जो हम रफ्तार देख रहे हैं तो शायद 2023 के आखिर तक, रमक तक हमारी नहर की तामीर हो जाए। तो हम हर वक्त ये कहते रहे हैं कि नहर की तामीर में जो ताखीर हुई उसमें महकमा पे भी असर नहीं पड़ेगा, उनकी जो दस्तूरी है उनको वो मिलेंगे, चाहे 23 में मुकम्मल हो चाहे वो 25 में मुकम्मल हो, और ठेकेदार को भी जो उनका नफ़ा है, उनका इससे कोई सरोकार नहीं है कि कब हमें उनको मिलेगा। तो इसमें अगर सफ़र हो रहा है तो सिर्फ DA खान का ज़मींदार काश्तकार नहीं, बल्कि हमारा सारा ज़िले का हर फर्द सफ़र हो रहा है, और उसके साथ साथ जो है इसका जो असरात हैं KPK पे नहायत ही सख्त। अभी हमारी गंदम काश नहीं हुई तो गंदम का बहरान होगा, तो अभी हम इसी हवाले से हुकूमत को मुतनब्बेह करना चाहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके जो जंगी बुनियादें हैं इसका तो हमें ख़तरा है कि पता नहीं कब हमारी, तो इस मामले में हमें CRBC से निहायत शिकवा है कि वो जो नुकसान बतला रहे हैं, इतना नुकसान है कि हमारे चंद ज़मींदारों ने अपने तौर पे एक जगह को पानी डाल दिया नहर में, तो काफ़ी हद तक वो डिस्टियाँ उसकी चढ़ गई, जहाँ तक उसकी डिस्टियाँ चली हैं उस पर शायद 1 करोड़ रुपए का इनका फंड होगा उनकी तामीर करने की, लेकिन एक बगैर रुपए के डिस्टियाँ हमारी चल पड़ी। तो अब हम यही अर्ज़ कर रहे हैं कि अगर ताखीर तो हो चुकी है, हमारी गंदम की फसलें चली गई, अब ख़तरा ये है कि जो थोड़े बहुत गन्ने हैं इनकी तबाही ना हो जाए, तो फौरी तौर पर हम ये ख़ास कर जो है महकमा CRBC वापडा को कहना चाहते हैं कि खुदा के लिए इस अवाम पे, DA खान पे, सारे सूबे पे तर्स करें कि इसको जैसे प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है ऐसे ही जंगी बुनियादों पे तामीर किया जाए।